गाइस ये आ गया। अभी हम लोग पास आलू का रोटी, गरम गरम रोटी। हेलो भाई साहब, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपके दुआ से आपके भाई अच्छे। तो फिर से आपके भाई आ चुके हैं बलेश्वरी में आप ही लोगों के प्यार के वजह से। और इस बार हम लोग बता रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, ये सब चीज़ आपको इसी वीडियो में। तो जो भी मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर के साथ में बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कीजिए ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो हम लोग करीब रात को निकले थे 9:30 बजे, पर हम लोग को मालूम नहीं था ट्रेन का बारे, तो जिसके कारण से हम लोग लेट में पहुँचे और हम लोग को पहुँचने पड़ा सुबह, मतलब रात को करीब 1 बजे हम लोग ट्रेन मिला। सुबह 6 बजे हम लोग पहुँच चुका, 5 घंटे का रास्ता है और अभी हम लोग को यहाँ पे भी वेट करना पड़ा क्योंकि हम लोग जिस ओनर को फ़ोन करो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ से 18 किलोमीटर है, जिसके कारण से फ़ोन नहीं लग रहा था। बहुत दिक्कत के बाद फ़ोन जैसे तैसे लगाया और अभी हम लोग को स्कॉर्पियो आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं उसी कार में। तो आप लोगों को बता दे रहे कि अगर आप लोगों को आने चाह रहे हो तो किस रास्ते में, तो ये सब चीज़ इसी वीडियो में मिलने वाला। तो इसी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि इस होटल का हम लोग प्रमोट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं वहीं पे उस होटल में, तो हम लोग वीडियो में बने रहिए। हम लोग इसी में अभी जाने वाले हैं और हम लोग किस जगह जा रहे हैं चलिए ड्राइवर से पूछ लेते हैं। यहाँ से कितना किलोमीटर सर, यहाँ से कितना किलोमीटर है? 18 किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर कहाँ कौन होटल में जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं परीखी, जगह का नाम है परीखी। अच्छा, जगह का नाम टोरंटो, ठीक है। चलिए हम लोग जाने वाले और जगह का नाम बता दिया कोरठी ने, क्या बोले? जगह का नाम परीठी। अच्छा, परीठी जगह का नाम है। तो आप लोगों का अगर जाने का मन हो तो इधर आ सकते हैं। दादा कुछ बोलने चाह रहे हैं, बोलिए दादा कुछ। टोरंटो रिसोर्ट परीखी सी बीच। अच्छा, तो जगह का नाम है और हम लोग परीठी जगह का नाम है। अगर आप लोग उस होटल में जाने चाह रहे हो अपना फैमिली लेके तो बेशक आप लोग जा सकते हैं। तो हम लोग इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप लोगों को आना जाना दिक्कत ना हो, जिसके कारण से बता दें कि ऐसा अगर कार बुक कीजिएगा तो कितना लगेगा वहाँ से भाड़ा? 1200 लगेगा। और ऑटो में जाइएगा तो 700 रुपये पड़ता है। तो हाँ, तो अगर कार में अगर जाने चाह रहे हो तो ऐसे कार में जाएगा तो 1200 रुपये लगेगा नॉर्मल नहीं। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हमको कार मिले तो ड्राइवर होने का ड्राइवर नंबर आप लोग जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। नंबर बोल दीजिए अपना नंबर। तो गाइस नंबर दे दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। साइड में दे देंगे बाद। अच्छा, साइड में दे देंगे, नंबर हम डिस्कशन में दे देंगे, डिस्प्ले में दे देंगे, आप लोग उसको सर्च करके देख लीजिए या डिस्कशन में दे देंगे, कहीं भी दे देंगे। तो आप चलते हैं हम लोग कार के, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते क्योंकि बारिश का वजह भी हो रहा था कि वो पानी गिर रहा है और कैमरा रहा है मैंने कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इतना दूर जाने वाला, तो मिलते हैं हम लोग उस होटल में और सॉरी उस कैम्प में मिलते हैं और वहाँ पर दिखाते कि कैसा कैम्प, अभी वहाँ का स्वागत भी दिखाते कि किस तरह से किया जाता है। और चलते उसी वीडियो में मिलने वाला, तो इसी वीडियो में मिलना, तो चलते हैं हम लोग उस कार में। बाय। हम लोग कार में बैठ चुके हैं और कार अभी स्टार्ट होने वाले कुछ ही देरी में और हम लोग निकलने वाले हैं। और लोकेशन दिखा दे रहे हैं, लोकेशन को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना, अगर अगर कुछ दिक्कत भी हो तो दादा का जो नंबर है, मोबाइल नंबर हम जो दे देंगे उससे आप लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा सुविधा बता देगा आने जाने का, साथ साथ पूरा दिखा देगा। चिंता की आप लोगों को दिक्कत होगा क्योंकि देखिए अगर आप लोग जाने चार उस होटल में तो देखिए कैसा है, कैसा जगह है, सभी इसी में मिलने। तो हम लोग रास्ता का लोकेशन दिखा देंगे, आप लोग उसी रास्ते से आना जाने, चलते हम लोग रास्ता देखें। स्टेशन का ये मतलब है जो स्टेशन का बोर्ड है, ये क्या है पहुंच चुके हैं रिसोर्ट में और इस रिसोर्ट का नाम है टोरंट ब्रिज रिसोर्ट, याद से रखें टोरंट ब्रिज रिसोर्ट। और इस भैया ने हमारे एक बहुत ही क्या बोले, हाँ इतना लेट क्यों पहुँचाया, लेकिन हाँ पहुंचा दिए, गलती तो क्या बोले। यहाँ पर देखिए जगह ऐसा है कि फ़ोन नहीं लग रहा था, थैंक यू भैया। तो हम लोग बहुत ही पहुँच चुके हैं, आप लोगों को अगर दिक्कत हो भैया अपना नंबर बता दीजिए थोड़ा सा अपना गाड़ी का। अच्छा, अरे हाँ, ये हमारे ऑनर है इन दुकान इस कैंप का और सर ने मुझे इतनी स्वागत के साथ बुलाया है। आप लोग फिर भी आ सकते हैं ऐसे ही। सर का नंबर बता दीजिए सर, आप अपना नंबर बोला। मेरा नंबर है 8984892188। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं। अगर फ़ोन नहीं भी लग रहा है, मान लीजिए ऐसा जगह कि
चाचा फ़ोन नहीं लग रहा तो आप लोग कैसे जाइए कैसे नहीं, तो मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक हम यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का भी लिंक दिया, आप लोग जाकर वहाँ मैसेज भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। अगर इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि हम मुझे पता चले आप लोगों को कुछ भी चीज़ पूछिएगा तो इंस्टाग्राम से भी मैसेज कर सकते हैं और फेसबुक से भी मैसेज करें, तो ये सब चीज़ को फॉलो कर लीजिएगा, ये सब को इग्नोर मत करें। चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी रिसोर्ट के अंदर दिखाएंगे कैंप कैसा है इस रिसोर्ट में, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आप सभी। तो गाइस रिसोर्ट बहुत ही सुंदर से सजाया गया है, बहुत ही प्यार से, देखिए यहाँ पे एक दिल बना है, बहुत ही काफ़ी अच्छी तरह से सजाया गया है। यहाँ पे देखिए टेबल भी बनाया गया है, जो गेस्ट लोग मेहमान कोई भी आएगा ये लोगों को बैठने के लिए दिया हुआ, और यहाँ पे देखिए एक रूम भी है, और इस ठीक है इस रास्ता को दिखा रहे रिसोर्ट का पूरा सजावट देखिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे पेड़ भी देखिए, पेड़ का पास भी लाइट लगाया गया, पर अभी लाइट की का कनेक्शन नहीं दिया ये रात को जलने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है, बहुत अच्छा रिसोर्ट है। इस रिसोर्ट का प्राइस भी पूछेंगे, पर अभी बात अभी हम लोग रिसोर्ट को पूरी तरह से कैप्चर कर ले रहे हैं, ताकि पानी अगर गिर जाएगा फिर हम लोग वीडियो बना नहीं पाएंगे। ये लीचू का है ना पेड़, तापेता चीकू, चीकू सॉरी 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 गाइस यहाँ का भाषा हमको समझ में नहीं, ये चीकू का पेड़ है। हाँ अगर आपको कोई चीकू नहीं देखा है तो चलिए आपको चीकू का पेड़ दिखा दे रहा है। हाँ इस वीडियो को देख लेने का चीकू का पेड़ अगर देख लीजिएगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, यार इतना दूर से आके एक वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको चीकू का पेड़ दिखा दिए, ये देखिए चीकू का पेड़ इस तरह होता है, ठीक है इतनी बड़ी होते हैं और इतनी बड़ा होता है, सॉरी इतना ही बड़ा होता है और इतना छोटा छोटा भी फला है। और ये सब रूम है जो आप लोग आइएगा तो ये सब रूम आप लोग बुक कर सकते हैं रहने के लिए, चाहे कितने दिन के लिए आप लोगों को ऊपर है। तो बहुत सुंदर यहाँ बनाए हैं, बहुत ही सुंदर सजाएगी यहाँ पे, देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ भी लाइटिंग दिया हुआ है, रात का समय जलेगा बहुत ज़बरदस्त चलेगा। देखिए बल्ब बनाए, एक एक करके बल्ब दिया है, रात का लाइटिंग का वीडियो जरूर दिखाएंगे गाइस, तब तक के लिए वेट कीजिए आप लोग और अभी इसी को देखिए, रात का वीडियो जब साँझ होगा तब वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। और ये देखिए इधर एक टापू, इधर भी एक टापू है और इधर भी एक टापू है, मतलब दो टापू दिया है। इधर मतलब क्या है, इधर आप लोग चाय नाश्ता करने बैठिए, बात कीजिए, पेपर न्यूज़ कुछ भी पढ़िए, और इधर दिया हुआ खाने के खा भी सकते हैं, डिनर लंच कुछ भी कर सकते हैं ना सर, इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बनाया है बांस का लकड़ी से बनाए हैं, काफ़ी अच्छी पुराना डिजाइन है और बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। खास ये चीज़ में दो चीज़ देख के मेरे को बहुत ही ज़्यादा एक मतलब अंदर एक सरप्राइज जग गया कि बहुत अच्छा बनाया है, इस कैंप को बहुत ही सोच समझ के बनाया है। और यहाँ पे लाइटिंग वही सजावट टापू में दिया, साइड में देखिए यहाँ पे बहुत सारा लगता है क्या ये सब है, टेंट सॉरी हाँ टेंट है, पर ये भी ढका हुआ है। ये सब चीज़ का प्राइस आपको बताएंगे। और इधर देखिए लाइटिंग, ये एक अलग तरह का बनाया है, ये रात का समय जलने में बड़ी अच्छा लगेगा, वहाँ पे रूम है। तो चलिए हम लोग अभी थोड़ा सा बहुत दूर हो चुके हैं, तो गाइस अभी हम लोग को मतलब हम लोग ऐसे टाइम पे लेट आ चुका है जिसके लिए हम लोग को नाश्ता मतलब नाश्ता की टाइम मिल रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं होटल के क्या नाश्ता दे, सॉरी इस कैंप में क्या नाश्ता मिल रहा है, चलिए आपको लेके चलते दिखाते हैं। तो गाइस ये आ गया अभी हम लोग के पास आलू का रोटी, गरम गरम रोटी, और यहाँ पे दिए जा रहा है क्या है, ये आलू पोस्तू है क्या, ये आलू पोस्तू है ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो ऑनर का जो यहाँ ऑनर सॉरी इस कैंप का जो क्या बोलता है स्टाफ से उन लोग से पूछने वाला कि यहाँ पे पैकेज क्या है, और ऐसे हो सके तो हम लोग यहाँ का ऑनर से भी पूछेंगे। तो हम लोग एक ही बढ़िया है कि ऑनर से ही पूछेंगे कि ऑनर से वेस्ट होगा जिसे उसको पता भी चल, तो आप लोग में ध्यान से सुनिएगा, ऑनर को बुलाइए सर। ऑनर आ चुका है, यहाँ पे दो ऑनर है ठीक है, पहला ऑनर तो गाड़ी से मेरे को ड्रॉप करने लेके आया है, और दूसरा ऑनर यहाँ सर है जो इनका नाम पूछा, सर आपका नाम, मेरा नाम फैजुल है, फैजुल आपका क्या नाम, शाहजान, शाहजान। तो सर सबसे पहले आप लोग मेरे को यहाँ बुलाए, बहुत ही प्यार सम्मान के साथ बुलाए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो सर हम जानने चाह रहा क्योंकि हम लोग को आने में थोड़ा सा टाइम हो गया था जिसके कारण से यहाँ पे हम लोग को लंच नहीं मिला, तो हम लोग उससे कोई दुख का बात नहीं, लेकिन मेरा सब्सक्राइबर लोग अगर आएगा तो लोग क्या खाना मिले क्या नहीं, ये चीज़ थोड़ा सा रिव्यूज कर दे अच्छा रहेगा, वेस्ट रहेगा, आप लोग थोड़ा बता दीजिए। तो ब्रेकफास्ट में हम लोग का रहता है जी आलू पराठा और सब्जी। अच्छा जो क्या ही सब दिखाया अभी थाली में, वो जो आपको दिखा आलू पराठा रोटी, आप उसमें से कितना तो मिलेगा, उसे जो जितना चाहेगा देंगे सब, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा। और दोपहर को क्या है, अरे यहाँ वेलकम ड्रिंक नहीं देते आप लोग आते समय, आते समय बोले नहीं, हाँ
डाप का पानी। अच्छा वेलकम जो स्वागत करते ना। हाँ, स्वागत करते। तो गाइस जैसे आप लोग आइएगा एंट्री कीजिएगा तो जैसे आप लोग गेट का एंट्री किए तो सबसे पहले यहाँ स्वागत किया जाता है। यहाँ पे कोई भी कैंप में जाइएगा, यहाँ पे बालेश्वर में कोई भी कैंप में जाइए सबसे पहले आपको वेलकम ड्रिंक था, क्योंकि वेलकम इसीलिए आपको स्वागत करते। उसके बाद आपका पैकेज के हिसाब से यहाँ खाना मिलता है, यही है ना आप लोगों का। तो चलिए आपका पैकेज के बारे में बता दीजिए, क्या खाना में मिलेगा। सुबह में बोला जो पूरी तरकारी नहीं तो आलू पराठा और सब्जी, मतलब आलू पराठा और सब्जी या पूरी या दोनों में से एक मिलेगा ना। दोनों में से जो जो दोनों मिलेगा। हाँ, दोनों नहीं मिलेगा, दोनों में से एक। दोनों में से तो क्या, दोनों में से एक चुन सकते हैं आप, ठीक है। तो और बाकी दोपहर कस्टमर का हिसाब से जो अगर चाहेगा तो हम लोग को पूरी चाहिए। और दोपहर का क्या है? दोपहर में है कातला मछली। अच्छा कातला मछली, कातला मछली और भेक्टी मछली। भेक्टी मछली भेक्ट मछली बोलता है। हाँ भेक्ट मछली है, भेटकी भेटकी सॉरी भेटकी। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा उड़िया है तो हमको समझ नहीं पा रहा था इसलिए सॉरी। तो भेटकी मछली आप समझ रहे हैं, हम लोग को साक्षी में मिलता है बस वही भेटकी मछली है। और क्या? और सब्जी रहेगा, एक दाल रहेगा, दाल और सलाद रहेगा, पापड़ रहेगा, पापड़ रहेगा। और मान लीजिए अगर किसी को एक्स्ट्रा कुछ लेने मन करेगा तो आप अगर एक्स्ट्रा कुछ देते कि नहीं आप लोग? एक्स्ट्रा हाँ, मटन भी एक्स्ट्रा है तो वो सब एक्स्ट्रा पैकेज का उसका उसका मैंने क्या पैकेज के हिसाब से ना, वो प्लेट के हिसाब से। प्लेट के हिसाब से कितना का प्लेट का है? मटन आपको अगर मटन लेंगे तो 1200 रुपये प्लेट। 1200 रुपये प्लेट। अच्छा और अगर आप चिकन लेंगे तो चिकन का प्लेट होता है 120 रुपये। कितना पीस रहेगा मटन में चिकन में? मटन रहेगा 4 पीस। कितने बड़ा बड़ा साइज का? बड़ा साइज का, बड़ा साइज का। चलिए 4 पीस। और मटन क्या देसी मटन? देसी मटन, देसी मटन रहेगा। वो वाले तो मटन नहीं जो बड़ा खस्सी का जो तो उसको तो नहीं, नहीं वो इधर नहीं मिलता देसी खस्सी का। नहीं नहीं हम लोग पूछ ले रहे हैं। और अभी इवनिंग्स में क्या रहते हैं? मतलब इवनिंग में चाय मिलेगा, चाय। अच्छा और चाय के साथ पकौड़ा भी मिलेगा। पकौड़ा और कुछ एक्स्ट्रा मतलब हल्का हल्का कुछ आप जोड़ते क्या, वो कुछ और देते क्या? पकौड़ा देते हैं जो तेल भाजी जो सामान है। नहीं नहीं और जो चूल्हा में जला के जो क्या बनाते हैं बारबेक्यू, बारबेक्यू वो बनाते वो क्या सब एक्स्ट्रा लगे? हाँ हाँ तो पूछ बोलिए तभी ना, बारबेक्यू भी बनाते? बारबेक्यू एक्स्ट्रा लगे। क्या क्या बारबेक्यू में कौन सा बनाते हैं आप? बारबेक्यू बनाते हैं, चिली चिकन बनाते हैं। पैकेज क्या उसमें? पैकेज मतलब बारबेक्यू 1 kg अगर आप लोग ऑर्डर देंगे जी तो 500 रुपये रेट है। 500 रुपये रेट उसमें हाफ प्लेट हाफ का 300 रुपये। ऐसा मतलब मान लीजिए अगर किसी को 2 पीस 3 पीस लेगा तो नहीं बनाते हैं? ओ भी होगा कुछ प्रॉब्लम उसका नहीं। कितना वो कितना वो ये केजी हिसाब से वो आ जाएगा। अच्छा केजी हिसाब। हाँ। से चलो चिकन का भी वही सेम चिकन चिकन चिली चिकन 120 रुपये प्लेट है। 120 रुपये। और कांकड़ी कांकड़ा ना क्या बोलते हैं कांकड़ा वो आप लोग खिलाते कि नहीं कांकड़ा? हाँ वो भी उसका भी बारबेक्यू बनता है? नहीं उसका बारबेक्यू कैसे होगा, उसका करी होगा। अच्छा और कुछ मॉकटेल लॉकटेल कुछ बनता है कि नहीं? केकड़ा भी है, क्रैब भी है। क्रैब वही क्रैब पूछ रहे वही तो क्रैब जो कस्टमर ऑर्डर करेगा वो हम लोग लाएंगे। उसका उसका प्राइस? केकड़ा का प्राइस है 350 रुपया। 350 रुपया। और मॉकटेल क्या है? मॉकटेल कौन सा मॉकटेल ब्रांड रखते हैं? कौन सा फ्लेवर क्या फ्लेवर का है सॉरी कौन सा फ्लेवर का रखते हैं मॉकटेल? मॉकटेल रखते कहीं मतलब पीने वाला मॉकटेल? ओ अच्छा 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 जो ठंडा वंडा जो अभी गर्मी का मौसम तो आ गया कुछ तो और सब। हाँ, वो सब मिलेगा कोई चीज़ हो तो। उसका ग्लास क्या है, कितना ग्लास है? उसका ग्लास अभी हम लोग तो फिक्स नहीं किया बात में। अच्छा तो उसको अभी फिक्स नहीं किया मतलब अभी चालू नहीं किया? नहीं नहीं। ओके तो गाइस मॉकटेल अभी चालू नहीं किया क्योंकि अभी शायद उतना गर्मी नहीं गिरा जिसके कारण से चालू नहीं है। तो आप लोगों को पता चल गया इस हिसाब से पैकेज आ रहा है। अभी पूछने वाले इस रूम का बारे थोड़ा बता दिया, रूम का क्या है पैकेज कितना करके है? पैकेज है आप लोग का 1800 रुपया नॉन एसी का। अच्छा और एसी का? कॉटेज का उसका बाद में नॉन एसी का 1800। अच्छा एसी का 2300 रुपया। तो खाना सेम है? हाँ खाना सेम है, खाना सेम है। चलिए बहुत अच्छा धन्यवाद सर, थैंक यू सर। और टेंट का है आपका? टेंट का अच्छा 1299। खाना तो सेम ही है? हाँ सेम ही सब। थैंक यू।
आप लोगों को दिक्कत होगा तो नंबर तो आपको बता दिया है, फिर भी हम डिस्कशन में दे देंगे, तो उसमें नंबर को लोड कर दीजिए। अगर वो भी आप लोग दिक्कत हो तो यहाँ का मैप दे देंगे, जिससे कि आप लोग मैप को सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को पूरा लोकेशन मिल जाएगा, रिव्यूज भी देख सकते हैं इस होटल का कैंप में कैसा है, यहाँ स्वागत भी कैसा करता है, सब कुछ मिल जाए। यहाँ व्यवहार तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, एक अपना जैसा सोच के आए यहाँ पे, ऑनर मुझे कार्ड भेजा है, कितनी एक खुशी की बात है। जो आप लोगों का दुआ और आप लोगों प्यार की वजह से आज यहाँ तक पहुँचा, वैसे ही प्यार देते रहिए और प्रकाश बॉय को, प्रकाश वो को आगे बढ़ाते रहिए। आप लोगों का वजह से आज हम आगे बढ़े, आप लोगों का प्यार है बोल के फिर से हम आ सके बलश्वरी में, और आप ही लोगों का प्यार। तो चलते हैं हम लोग फिर घर की ओर बढ़ेंगे, और अब तक के लिए वीडियो यहीं तक समाप्त कर, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन वाला घंटी जरूर दबाएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि बेल आइकन की घंटी इसलिए दबाने बोलते ताकि जितने भी मेरे नोटिफिकेशन नया नया वीडियो आए सबसे पहले अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग रखते हैं अभी, अभी हम लोग को यहाँ लंच जो हम लोग को आने में टाइम हो गया, जिसके लिए हम लोग को खाना नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर देना पड़ता है, पर हम लोग क्या, हम लोग टाइम में आ नहीं सकता जिसके कारण से यहाँ पे हम लोग खाना नहीं मिला, उसके लिए कोई अफसोस का बात नहीं, इसलिए आपको बता दिए कि खाना जो भी मिलेगा यहाँ का जो ओनर बोल चुका वैसे ही आपको खाना मिलेगा। अगर आपको दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप मेरे को फेसबुक इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा और उसमें फॉलो भी कीजिएगा, ये आपके लिए, ताकि आपको कोई चीज़ का परेशानी ना हो। तो बाय, टेक यू।